नहीं बनी इंदु जी की जिंदगी कहीं और चली गई, तो ऐसा मौका एक दफा आया था लेकिन फिर वो हुआ नहीं, और तब से मैं अब तक इंतजार ही कर रहा था कि मुझे ये मौका मिले। और अमित जी के साथ फिल्म के लिए ना करने की मेरी हिम्मत ही नहीं। तो बहुत बहुत सालों से मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप एक, दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि आमिर खान केवल आमिर खान ही नहीं है, ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मार्केटिंग जीनियस भी हैं, एग्जीबिटर भी हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, उसके बाद जाकर के एक ब्रिलियंट एक्टर हैं। तो इनके साथ मुकाबला करना बड़ी कठिन काम हो जाता है। तो मैं कब से कह रहा हूँ उनसे कि भाई साहब एक फिल्म आप उसका निर्देशन कीजिए, हमें कहीं छोटा सा एक रोल दे दीजिए, पीछे अंडा उंडा हमें खिलाते रहे, ये मान ही नहीं रहे। कब से मैं इनको बोल रहा हूँ, तो आज सबके सामने सार्वजनिक कर दिया है मैंने ये बात। आप इनकी बात नाउ यू हैव टू अरे प्लीज इसको आप एडमिट कर लीजिए भाई साहब। सर मेरी ये खुश नसीबी होगी अगर मैं, और दो तीन मैंने आइडिया भी दिए इनको कि भैया इस पे कहानी बनाओ, तो ये कहते हैं अच्छा सोचता हूँ मैं। और दो तीन बार ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने इनसे कहा ये बहुत अच्छी कहानी रहेगी अगर आप करेंगे तो मैं इसमें, अच्छा तो सोचता हूँ मैं, और सोचते सोचते कई बरस बीत गए। ये कहानी जो है और किरदार जो है वो विक्टर साहब ने लिखा, आप ही समझाइए आपने मुझे गधे पे क्यों बैठा दिया, और बड़ा मुश्किल था उस पर बैठना, इतना आसान नहीं था। सर आप बहुत मुश्किल रोल बड़ी आसानी से निभा जाते हैं, तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और वो मैं आपको 8 तारीख को दिखा दूंगा, तो उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी। पर फिलहाल ये है कि ये जरूर कह सकता हूं कि हमने, आपने हीरोज को देखा होगा लैम्बोर्गिनी पे आ रहे हैं, कोई हवाई जहाज से आता है, कोई पानी से निकल आता है, ये हीरो ऐसा है, ये गधे पे आता है और सबको ठग के जाता है। एंड द डोंकी इज अ वेरी फिलोसॉफिकल एनिमल, दैट्स द थीसिस ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म। विक्टर ये पूरी ये जो जर्नी है, जो पूरी जर्नी है, सब हिंदुस्तान का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, हम सब ट्रेलर में देखा है सर, पूरी जर्नी में जो चैलेंजेस क्या क्या रहे कि इतनी बड़ी कास्ट, इतना बड़ा कैनवस, एक पीरियड फिल्म बनाने में आई थिंक काफी कुछ चुनौतियां रही होंगी, क्या कुछ चैलेंजेस रहे? ये चैलेंजेस बताने में 2 साल लगेंगे, उतना समय अगर आप मुझे दें तो मैं आपको बताऊं, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ समथिंग लाइक दिस विच इज In all humility, I think we would like to say that as a team, we've tried to do something which has probably not been attempted before in many ways. Some of it would be technical, some of it would be logistical. तो उसमें चुनौतियाँ बहुत आईं और चुनौतियों के ऊपर जीतना भी आया, और सबसे ज़्यादा मज़ा उस बात का है कि आप सेट पे जाते हैं और शाम को आप बहुत थक के लौटें लेकिन आपको लगे कि हमने आज कुछ किया जो जो अच्छा हुआ। That's about it. सर ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर, कैसे उत्तर दूं आपके सवाल? वेल आई थिंक विदाउट नोइंग द वेरासिटी ऑफ समथिंग और द डिटेल्स ऑफ समथिंग, आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन इट, इट्स नॉट राइट फॉर मी आइदर वे टू कमेंट ऑन इट, बट आई वुड लाइक टू से दैट व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस डज हैपन, it's a really sad thing. Now whether this has happened and you know that is for people to investigate, I you know I don't think we can comment on that. Amir sir, same jaise Bachchan sir ne bhi bola us grand picture mein Katrina and Bachchan sir ko kyun nahi aap mein invite kiya gaya? Are sir ye sabse mahatvapurna prashn hai, main aapko bata dun, and Katrina is
really with me on this, and we're deeply depressed because we were not invited to this gathering, and we're going to hold it against you, Amit. Sir, Kash, wo mera ghar hota aur Kash. And Ranbir and everyone. Victor here. On behalf of Amitabh Bachchan fans and Aamir Khan fans, you know, thank you for fulfilling our 20-year-old dream. 1998, I think, Rishta was supposed to get launched, and uske baad Happy New Year, Happy Diwali. और आज आपने वो किया है तो थैंक यू सो मच. थैंक यू आमिर सर. मैं संदीप ANI से यहाँ पे. बहुत अच्छे फिल्म का ट्रेलर है, बहुत मजा आया देख करके. आपकी एक फिल्म बनी थी PK, काफी कुछ समझने और देखने को मिला, और ऐसे हिस्से को आपने एक्सप्लोर किया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था. सर सवाल आपसे ये है, क्या पूजा पाठ करने के लिए किसी जगह पर जा करके या इबादत करना या नमाज पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है? और मेरा सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के सुनवाई है. सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी फिल्म आई थी और आपने बहुत अच्छे मैसेज दिए थे उस फिल्म से. I would actually request that we use this forum to talk about Thugs of Hindustan. No, I request you, ma'am, please let him speak. No, I'll tell you why I won't speak, because हमारी फिल्म रिलीज पर है. मैं कुछ भी बोल दूंगा मेरी फिल्म रुक जाएगी. तो फिल्म की रिलीज हो जाए उसके बाद मैं ये सारे सवाल के जवाब दूंगा. थैंक यू. अचल सर, अचल सर. दरअसल ये फिल्म जो है, इट इज एन एक्शन एडवेंचर फिल्म, एंड इन दैट सेंस द जॉनर इज सिमिलर. पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का भी जॉनर एक्शन एडवेंचर है, इसका भी एक्शन एडवेंचर है. कहानियों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. जो जॉनर है उसमें सिमिलैरिटी जरूर है. पचन सर, सॉरी, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन. लेट मी क्यू यू, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज पचन सर, रसल डिसिल्वा हियर, ओवर हियर. Sir, in the motion poster, your name is given as Khuda Baksh, but here in the trailer, everyone is calling you Azad. Why is that, sir? So that you can go and see the film and find out why. On that note, I think this is all the time we have. One last question, your Manisha, you're from Friday Talks. Push lene kijiye, haan, baar baar mauka milta hai, sir log. Sir, okay. Yeah. I want to ask all of you whether you've ever thugged in life. हाँ, मैंने तो बहुत लोगों ठगा है. I have to admit. ठग का मतलब समझाइए पहले. Like maybe when you were small, maybe a thug. You didn't want to go to school and you did something to avoid going to school. हाँ, जब स्कूल में थे तो वो टिफिन होता है ना, वो साथ में दिया जाता था. हम खाते होते नहीं थे उसको, लेकिन जब वापस आते थे और जब बस से उतरते थे एक चौराहे पे जहाँ से हमको पैदल जाना पड़ता था अपने घर पे, तो वहीं कोने में झाड़ी में हम खाना फेंक देते थे और टिफिन खा ले जाते थे. तो घर पे ऐसा लगता था खाना खा के आए. Would you like to share it? No. Katrina, could we hear from you on this one, please? Katrina, could we please hear? I don't think I've done any such misdeeds. A well-behaved girl. Victor? मैं अपना बताऊं या बाकी सब? आपका. Katrina पूरे देश को ठग रही है. क्या बात? क्या बात? नहीं, मैं बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान. मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा, और ना ही मैं सिर्फ ऑडियंस को ठगना चाहता हूँ बस. फातिमा, मैं तो सबसे सीधी लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती किसी को ना मासूम चेहरा. I think your answer is pretty evident by this. And I think with that, we must say that we have introduced the Thugs of Hindustan to you, ladies and gentlemen. Can I please request our friends from the press who would like to get a lovely shot of the cast to kindly get ready with your cameras? Can I please request our wonderful team of Thugs of Hindustan to kindly step forward and take that wonderful, glorious photo that is going to break the internet today? Like to. Sí, pero el tema no vivía.
Hindustan to you. To you, Hindustan. Thank you. That's the EF, right? Sir, only pass. Wow. Ladies and gentlemen, thank you so much. Don't forget, thanks for this time.